पीपीगंज पुलिस ने चोरी की मोबाइल सेट के साथ तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पीपीगंज थाना अध्यक्ष को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बाइक से आ रहे तीनों युवकों को रोककर जब पूछताछ की गई तो इन लोगों के पास से छिनैती के तीन मोबाइल बरामद हुए हैं। पकड़े गए व्यक्तियों से जब तलाशी ली गई तो एक व्यक्ति द्वारा अपना नाम आकाश यादव पुत्र कमलेश्वर यादव निवासी साहबगंज टोला गदई खाल थाना पीपीगंज बताया गया, जिसके कब्जे से एक अदद सैमसंग गैलेक्सी 6 मोबाइल रंग काला तथा एक अदद ओप्पो मोबाइल रंग गोल्डन बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति द्वारा अपना नाम राहुल यादव पुत्र लोद यादव निवासी बघई भारी थाना पीपीगंज, जिसके पास से एक अदद MI मोबाइल रंग काला व एक अदद सैमसंग गैलेक्सी कोर प्राइम मोबाइल बरामद हुआ। तीसरे व्यक्ति द्वारा अपना नाम अवधेश यादव पुत्र कृष्ण चंद्र यादव निवासी बघई भारी थाना पीपीगंज बताया, जिसके कब्जे से एक अदद ऑनर मोबाइल रंग आसमानी नीला चेक तथा एक अदद MI मोबाइल बरामद हुआ। घटना का खुलासा करते हुए SP नॉर्थ रोहित सिंह सहवाण ने बताया। फायदा उठा के वहाँ पे मोबाइल वगैरह लूटते थे, मोटरसाइकिल भी जो इनके जिससे करते थे वो भी बरामद है। अपाचे और ये कितने साल से आपके 20 साल क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई करते हैं सर। एक तो 11वीं पास किया, 12 में है। कौन है? राहुल है, 12 में पढ़ते हैं ना। और आकाश है। बताओ कितनी मोटरसाइकिल मोबाइल है बताओ। खेती और कुछ क्यों, कहाँ से सीखा ये सब करना? क्यों पहले नहीं बताओ। तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 6 लूट के मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और ये वहीं पीपीगंज के रहने वाले हैं। और ये आकाश राहुल और अवधेश यादव, ये तीन लोग हैं इसमें जो गिरफ्तार किए गए हैं। और उनके पास से 2 मोटरसाइकिल, जो एक अपाचे मोटरसाइकिल और एक पैशन मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं जिससे ये लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। कब से कर रहे हैं ये? पिछले 3-4 महीने से वहाँ पे जो लोकल बापू इंटर कॉलेज है उसके आसपास मोबाइल छिनैती घटनाएँ हो रही थी, तो वहाँ पे ये इस तरह की लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। और मोबाइल फ़ोन पे लॉक लगा होता था, फिर मोबाइल की दुकान पे जाके लॉक को तोड़वाते थे और फिर मोबाइल को बेच देते थे। इसके पहले भी किसी घटना में सुना? नहीं, पहले इनका आपराधिक इतिहास नहीं है। नई उम्र के लड़के हैं और नए ये अपराध की दुनिया में इन्होंने कदम रखे हैं। ये अपने खर्चे चलाने के लिए, जो पैसे की जो कमी होती थी उसको पूरा करने के लिए मोबाइल लूटते थे और उसको फिर 1000 1500 2000 रुपये में बेच देते थे।